Hello, students. Good morning. Welcome to SI Sonic classes. Students, we were reading chapter 3, Olympic Green of our English literature book as we said. In our last video, our topic was noun and types of noun. And so, students included this topic, noun and types of noun. We have completed exercise A and B. Vision page number 34 of chapter 3, the Olympic Green in our English literature book as we said in our last video. And students, today's our topics are and types of noun and soft g sound and hard g sound so students included this topic we will solve exercise c and a which will page number 35 of chapter 3 olympic grainy in our two days class so all students with special attention in your class and listen to my words clearly because today we are going to solve exercise c and a in our english literature book as we sister okay so let's see exercise c of this chapter 3 olympic grainy okay look at the page number 35 your exercise is fill in the blanks with noun as indicated okay fill in the blanks it's mean रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए okay खाली स्थानों को भरिए with nouns as indicated nouns means संज्ञा indicated here the mean of indicated that संकेत okay so fill in the blanks with nouns as indicated it means दिए हुए संकेत के साथ संज्ञाओं से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए okay let's see first number sentence so first number sentence is i have a blank comma

ओके okay. और जिसे राइट करने के बाद इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते ओके तो सेंड दी करेक्ट वर्ड विच कैन बी राइट हियर इन दिस फर्स्ट नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट अवर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज नोट बुक ओके सो स्ट्रेंड्स नोटबुक इट्स मीन होते हैं उत्तर पुस्तिका ओके एंड नोटबुक इट्स अ कॉमन नाउन नोटबुक क्या है एक कॉमन नाउन है कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा ओके तो फ्रेंड्स ऑल नोटबुक्स आर आई मीन इंक्लूडेड दिस फर्स्ट वन नोटबुक ओके तो ये जो नोटबुक के इंक्लूडेड नोट नोटबुक के अंतर्गत सारी नोट्स बुक्स आती है क्योंकि आपकी नोटबुक्स हिंदी की भी होती इंग्लिश की भी होती है मैथ्स साइंस कंप्यूटर है ना तो नोटबुक की इंक्लूडेड आपकी सारी नोट्स बुक्स आ जाती है ना नोटबुक तो साइंस की भी हो सकती है हिंदी की भी हो सकती है इंग्लिश की भी हो सकती है कंप्यूटर की भी हो सकती है मैथ्स की भी हो सकती है ना तो नोटबुक इट्स अ कॉमन नाउन नोटबुक क्या है कॉमन नाउन एक जातिवाचक संज्ञा ओके सो स्टेंट्स राइट ऑन हियर इट इज फर्स्ट नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट अवर फर्स्ट नंबर सेंटेंस नोट बुक एन टी नोट बी डबल नोटबुक उत्तर पुस्तिका एंडम आई नोट बुक बट आई डों पास एक नोटबुक है मेरे पास एक उत्तर पुस्तिका है लेकिन मैं नहीं जानती कि इसका उपयोग कैसे करूँ ओके इट्स मीन की मेरे पास एक उत्तर पुस्तिका है एक नोटबुक है लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है ओके सेंस Write on your notebook in this first number blank to complete our first sentence. Okay. Now we are going to complete our second number sentence. Okay. Let's see second number sentence. Your second number sentence is though blank is not her mother tongue, comma, she can speak it fluently. Okay. Students, write on here a proper noun. Okay. इन दिस सेकंड नंबर ब्लैंक टू कम्प्लीट अवर सेकंड सेंटेंस आपको क्या करना है यहाँ पर एक ऐसा वर्ड राइट डन करना है विच इज अ प्रॉपर नाउन जो एक प्रॉपर नाउन है ओके okay. एंड uh, इसको राइट ऑन करने के बाद हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा ओके तो सेंट्स द करेक्ट वर्ड विच कैन वी राइट हिय इन दिसकेंड नंबर ब्लैक टू कंप्लीट अवर सेकंड नंबर सेंटेंस इज इंग्लिश ओके इंग्लिश इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इस सेंट्स इंग्लिश इज अ इंग्लिश इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और सब्जेक्ट एज वेल ओकेट्स अ इंग्लिश इट्स अ प्रॉपर नाउन ओके इंग्लिश एक पर्टिकुलर लैंग्वेज और सब्जेक्ट का नेम है ना तो जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या पर्टिकुलर लैंग्वेज का नेम है तो इट्स लियर इंग्लिश हमारा प्रॉपर नाउन ओके प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संघ ओके सो सोट डोंट हेयर इन द सेकेंड नंबर ब्लैंक इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एट इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी ओके एंड आफ्टर राइटिंग हेयर डी वर्ड इंग्लिश देन योर सेंटेंस बिकम दो इंग्लिश इज नॉट हर मदर टंग कॉमर्स यू कैन स्पीक इट फ्लंटली ओके दो मीन्स यदि भी हालांकि इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी इज नॉट मीन्स नहीं है हर मीन्स उसकी मदर टंग मीस मातृभाषा कॉमा सी कैन स्पीक ओके वह बोल सकती है स्पीक मीन्स बोलना इट मींस इसे फ्लंटली एफ एल यू ई एन टी एलवाई हेर द मीन ऑफ फ्लंटली डैट बिना रुके जल्दी से तेजी से ओके सो द मीन ऑफ योर सेकेंड नंबर सेंटेंस इज दो इंग्लिश इज नॉट हर मदर टंग कॉमा सी कैन स्पीक इट फ्लंटली इट्स मीन यदि भी अंग्रेजी उसकी uh, मातृभाषा नहीं है फिर भी वह उसे बहुत जल्दी बहुत तेजी बिना रुके बोल सकती है ओके okay, हालांकि अंग्रेजी उसकी मातृभाषा नहीं फिर भी मैं उसे बिना रुके बहुत जल्दी से तेजी से बोल सकती ओके राइट हियर इंग्लिश इन दिस सेकंड नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट अवर सेकंड नंबर सेंटेंस लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस और थर्ड नंबर सेंटेंस इज दी ऑडिटोरियम वाज पैकड विद एन एक्साइटेड एक्साइट ब्लैंकफुल स्टॉक ओके डाउन हियर कलेक्टिव नाउ ओके राइट डाउन अ वर्ड इन दिस थर्ड नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट कम्प्लीटवर थर्ड नंबर सेंटेंस व्हिच इज अ कलेक्टिव ना आपको यहां पे एक ऐसा वर्ड राइट डाउन करना है जो एक कलेक्टिव नाउन हो कलेक्टिव नाउन मींस समूहवाचक संज्ञा ओके तो स्टेंट्स द करेक्ट वर्ड विच कैन बी राइट इन दिस थर्ड नंबर ब्लैक टू कंप्लीट थर्ड नंबर सेंटेंस इज पीपल पी ई ओ पी एल पीपल मीन लोग ओके क्योंकि स्टेंट्स पीपल जो है तो पीपल के इंक्लूडेड बॉय गर्ल मैन वुमेन चिल्ड्रेन सारे पर्सन आते हैं ना तो पीपल इट्स अ कलेक्टिव नाउन पीपल एक कलेक्टिव नाउन है एक समूहवाचक संज्ञा ओके ओनली वन पर्सन हो तो हम इसे पीपल है ना नहीं बोल सकते पीपल एक प्लूडल नाउन के इंक्लूडेड आता है एक कलेक्टिव नाउन है क्लियर

उत्साहित लोगों से पूरा भरा हुआ था ओके सो सोन डाउन हियर पीपल इन दिस थर्ड नंबर ब्लैंक लेट्स सो फोर नंबर सेंटेंस। ऑल द विलेजर्स अप्लाउडेड द गर्ल फॉर हर ब्लैंक फुल स्टॉप ओकेर अ वर्ड विच इज अ एब्स्ट नाउन ओके एब्सिक नाउंड इट्स बीन भाववा भाववाचक संज्ञा ओके तो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड राइड करना है जो एब्सट्रिक नाउन हो जो भाववाचक संज्ञा ओके okay, तो इस्ट्रिक नाउंड ऐसे नाउंड होते हैं जिनके लिए हम अपने फाइव सेंसेंस का यूज़ नहीं कर सकते ओके जिसे हम सी नहीं कर सकते टच नहीं कर सकते हेयर नहीं कर सकते स्मेल नहीं कर सकते इसका टेस्ट नहीं ले सकते ओके ओनली एंड ऑनली फील कर सकते हैं जैसे हॉनेस्टी हो गया ट्रुथ हो गया लाई हो गया एंड लव uh, हो गया ओके okay,

फिल करने ओके तो स्टेंट द करेक्ट वर्ड विट कैन बी राइट इन दिस फिफ्थ नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट कम्प्लीट फिफ्थ नंबर विच इज़ अ कलेक्टिव नाव ओके अपाईली पाई अपाइल मींस स्टेंट्स होता है बोल सकते अपाइल मीन्स होते हैं समूह या ढेर बोल सकते ओके तो साइड डाउन हियर अपाइल इन दिस फिफ्थ नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट हवा फिफ्थ नंबर सेंटेंस एंड देन योर सेंटेंस बिकम आई हैव मिस प्लेस इट्स मीन मैंने खो दिया मिस प्लेस मीन ओके खो खोड ओके मैंने खो दिया द एंटायर मीन ऑफ एंटायर दैट

मैंने uh, किताबों का एक पूरा ढेर खो दिया ओके okay. मैंने किताबों का एक पूरा ढेर खो दिया है क्या तो स्ट्रेंड्स वी हैव कम्प्लीटली दिस एक्सरसाइज सी एंड आई होप यू मस्ट हैव हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज सी यू नो प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज सी ओके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर एक्सरसाइज ए ओके एंड योर एक्सरसाइज ए इज़ रिलेटेड टू सॉफ्ट जी साउंड एंड एंड हार्ड जी साउंड ओके तो स्ट्रेंट्स लेट्स सी एक्सरसाइज ए योर एक्सरसाइज ए इज़ लैंग्वेज लैब है ओके लैंग्वेज लैब मीन्सेंट होते हैं प्रयोगशाला लैंग्वेज मीन्स भाषा लैब मीन्स प्रयोगशाला ओके सो लेट्स इंक्लूड दिस एक्सरसाइज ए लैंग्वेज लैब ओके तो लैंग्वेज लैब मीन्स भाषा प्रयोगशाला लेट्स एक्सरसाइज एज योर एक्सरसाइज ए इज रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अलाउड ओके नाउ सर्कल द वर्ड्स विद दी हार्ड जी साउंड्स एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद द सॉफ्ट जी साउंड ओके रीड द वर्ड्स रीड मीस पढ़िए दी वर्ड्स मिन शब्दों को गिविन मीस दिए हुए इन्धी बॉक्स मीज बॉक्स में अलाउड मीन जोर से रीड द वर्ड्स गिविन इन्दी बॉक्स अलाउड इट्स मीन बॉक्स में दिए हुए शब्दों को जोर से पढ़िए ओके नाउ मीस अप सर्कल द वर्ड्स इट्स मीन सर्कल कल लिए शब्दों में विद द हार्ड जी साउंडस ओके तो ऐसे वर्ड्स ऐसे शब्द जो मतलब जिसमें जो हार्ड जी साउंड के साथ है ओके हार्ड हेयर द मीन ऑफ हार्ड दैट आर्ट का स्ट्रेंड मीन होता है कठोर मुश्किल या कठिन बट हेयर वी टेक इन द मीन ऑफ आर्ट कठिन ओके कठिन सेंस ले रहे हैं तो जो कठिन जी साउंड वर्ड्स है जो कठिन uh, जी ध्वनि वाले शब्द हैं उन पे सर्कल करना है एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद द सॉफ्ट जी साउंड और अंडरलाइन करना इट्स मीन रेखांकित करना है उन शब्दों को जो सॉफ्ट जी साउंड है सॉफ्ट मीन्स होते हैं कोमल नरम या आसान हेयर वी टेक इन द मीन ऑफ सॉफ्ट एट आसान ओके यहाँ सॉफ्ट का मीन आसान ले रहे हैं ओके कोमल नरम को साइड में करके तो सॉफ्ट मीन्स होता है आसान तो ऐसे वर्ड जो सॉफ्ट जी साउंड कर रहे इट्स मीन जो आसान जी की ध्वनि उत्पन्न कर रहे उनमें हमें अंडरलाइन करना है क्लियर तो है योर एक्सरसाइज ए इज रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अलाउड नाउ सर्कल द वर्ड्स विद द हार्ड जी साउंड एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद द सॉफ्ट जी साउंड इट्स मीन दी बॉक्स में दिए हुए शब्दों को जोर से पढ़िए और अब क्या करना है कि जो हार्ड जी साउंड वर्ड्स हैं जो कठिन जी ध्वनि शब्द हैं उन पे सर्कल करना है और जो सॉफ्ट जी साउंड्स वाले है इट मीन जो आसान जी ध्वनि वाले शब्द हैं उन पर अंडरलैंड करने ओके तो स्टूडेंट्स वी विल डेफिनेटली सॉल्व दिस एक्सरसाइज ए बट बिफोर इट आई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट हार्ड जी साउंड्स एंड सॉफ्ट जी साउंड ओके तो स्टूडेंट्स हार्ड जी साउंड अ हार्ड जी साउंड्स ऑलमोस्ट लाइक अ के एज इन द वर्ड्स ग्रीड गुड ओके तो ये जो हार्ड जी साउंड्स वर्ड होते हैं ना ये ऑलमोस्ट के का साउंड उत्पन्न करते हैं जैसे कि हो गया ग्रीट ओके गुड तो ये जो है हमारे वर्ड्स ये हार्ड जी साउंडस वर्ड्स होते ओके okay, जिसमें के का साउंड लाइक ऑलमोस्ट लाइक के ओके के का जैसे साउंड करते हैं एंड इस सॉफ्ट जी साउंड की अगर बात करें तो सॉफ्ट जी साउंड ओके वेन जी रिप्रेजेंट द जी साउंड ओके व्हेन जे जी रिप्रेजेंटेड द जी साउंड ओके लाइक दैट टो मैजिक इंगेज ओके तो जैसे ऐसे वर्ड जिसमें जो जिसमें जी होता है वो जे का साउंड करते हैं जैसे मैजिक मैजिक okay. बोलते हैं तो जी है वो जे का साउंड करते हैं ना और जैसे हो गया हमारा मैजिक uh, के बाद इंगेज ओके इंगेज जो जी होता है वो जे का साउंड करते हैं ना तो मैजिक और इंगेज में जो जी है वो जे का साउंड कर रहा है और ऐसे वर्ड जो जिसमें जो जी होता है ना वो जे का साउंड करे जे फॉर जग का साउंड करे तो वो हमारे सॉफ्ट जी साउंड वर्ड होते हैं और ऐसे वर्ड जिसमें जी, जो, जो जी होते हैं ना वो के जैसा साउंड करे लाइक दैट के ओके तो वो हमारे हार्ड जी साउंड वर्ड होते हैं ओके okay. जैसे ग्रेट uh, हो गया गोड हो गया ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ए एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड डिफिनेशन ऑफ हार्ड जी साउंड एंड सॉफ्ट जी साउंड ओके सो लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर वर्ड इज ग्लैड जी एल ए डी ग्लैड एंड ग्लैड इट्स आ हार्ड जी साउंड वर्ड ओके सो स्टेंड्स सर्कल ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड ग्लैड बिकॉज ग्लैड इट्स अ हार्ड जी साउंड वर्ड ओकेट्स इज नेक्स्ट वर्ड यू नेक्स्ट वर्ड इज मैजिक एम ए डी आई सी मैजिक स्टेंड्स रीड विथ मीन दिस वर्ड मैजिक ज आर एना जे जे का साउंड करे तो As uh, we have read that uh, that's words which have uh, J sound, okay? Uh, we call it uh, soft J sound words, okay? So, stand underline uh, this word magic, okay? Because this word magic, uh, it's a soft J sound word, clear? Your next word is cage. Cage. So, students cage, it's your soft G sound word. So, strength, uh, underline this word, okay? Cage. And your next word is guess, okay? Guess, it's a hard G sound word, okay? So, students draw a circle around this word guess, clear? Uh, let's see. Next word, your next word is game. Game, it's a hardy sound word. So, strengths draw a circle around this word game because it's a hardy sound word. Your next word is good. Okay, I've already described this word good. Okay, and good, it's a hardy sound word. So, strength uh, draw a circle around this word good. Good, it's a hardy sound word. Your next word is uh, kind. Okay, so, giant ball thing look giant. Giant, it's a uh, softy sound word. So, strength uh, underline this word giant. Okay, g-i-n-t, giant because it's a softy sound word. यूर नेक्स्ट वर्ड इज ऑरेंज ओके ऑरेंज में जो जी होता है जे का साउंड करते हैं ना ऑरेंज हम ऑरेंग नहीं बोलते ना ऑरेंज बोलते हैं ना तो जी जो होता है वो लाइक दट तो जे साउंड करता है ना तो ऑरेंज इट्स अ सॉफ्ट जी साउंड वर्ड सो इस अंडरलाइन दिस वर्ड ऑरेंज ओके

ना वेड जो वेट इट्स अ सॉफ्ट जी साउंड वर्ड सो स्टैंड अंडरलाइन दिस वर्ड वेट इट्स अ सॉफ्ट जी साउंड वर्ड बिकॉज इट्स अ इन दिस वर्ड वे जो जी साउंड लाइक द जे ओके योर नेक्स्ट वर्ड इज जी रॉफ तो हम लोग जीरोफ में जो जे जी, जी है वो जे का साउंड कर रहे हैं ना जी इट्स अ सॉफ्ट जी साउंड वर्ड ओके वी कॉन्ट से दिस वर्ड गिर ऑफ हम इस वर्ड को गिर ऑफ नहीं रीड करते ना जी रॉफ रीड करते ना जी तो जो जी है वो जी का साउंड करता है जी रॉफ हो ओके सो सिट्स अनाल दिस वर्ड रॉफ बिकॉज यूअर दिस वर्ड जी ऑफ इट्स अ सॉफ्टी साउंड वर्ड ओके And let's see next word. Your next word is gather. Gather. It's a hardy sound word. So draw a circle around this word gather because it's a hard uh, G sound word. Okay. Your next word is hug, and it's also a uh, hard G sound word. So extend draw a circle around this word hug. Okay. Your next word is engine. Engine. In this word engine, G sound like the J. Okay. Engine. Okay. J. So, since, so and then it's a soft G sound word. So, it's uh, underline this word engine. Okay, your next word is gearbox. Gearbox, it's a hard G sound word. So, it's a uh, around this word gearbox. Okay.

And we have completed this exercise. Okay, and students, your hardy G sound words are glad, guess, game, good, good, and gather, gearbox, dragon, gorilla, blue, glass, and your soft sound words are magic, cage, gentle, orange, gist, region, vigil, giraffe, engine. Okay, so strength, we have completed this exercise A, and I hope you must have understood hardy sound words and soft G, soft G sound words. You have no problem in any word of this exercise A. Okay, so strength, we have completed exercise C and A, and I hope you must have understood both exercises of this uh, of this chapter 3 Olympic beginning. You have no problem in any uh, exercise. Okay, so students, uh, let's see your homework. Your homework is let's see exercise B. एक्सरसाइज बीस लिसन टू दिस स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड अ जीन ओके दिस मींसटो कहानी अबाउट बारे में अ बॉय मीस एक लड़का एंड अ जीनी ओके जीनी मीस स्टेंट होता है जिन ओके तो लिसन टू दिस स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड अ जिन एक लड़के और एक जिन के बारे में एक कहानी को सुनिए ओके एक लड़की और एक जिन के बारे में इस कहानी को सुनिए ओके राइट डाउन अ शॉर्ट समरी ऑफ द स्टोरी ओके राइट डाउन मिस लिखिए अ मिस एक शॉर्ट मीस छोटी समरी मिस हेयर द मीन ऑफ समरी इस समरी में असिस्टेंट होता है कि सारांश संक्षेप या सार ओके okay, तो आपको एक शॉर्ट समरी राइट डाउन करना है ऑफ दिस ऑफ दिस स्टोरी मिस इस कहानी की तो लिसन टू दिस स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड अ जीनी राइट डाउन अ शॉर्ट समरी ऑफ द स्टोरी ओके तो इसमें आपको क्या करना है एक लड़की और एक जीनी के बारे में इस कहानी को सुनना है और फिर एक शॉर्ट समरी राइट डाउन करनी है इस स्टोरी की इस कहानी की एक छोटी सी सारांश एक छोटा सा संक्षेप या बोल सकते छोटा सा सार आपको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करना है ओके तो पहले आप एक बॉय और एक जीनी की एक जिनकी मतलब स्टोरी को लिसन करेंगे और उसके बाद क्या करना है आपको कि इस जो ये स्टोरी का एक शॉर्ट समरी राइट समी करना है इस स्टोरी का एक छोटा सा सारांश लिखना है ओके लेट्स एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज सी इज़ हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर ओके आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है फेवरेट क्रिकेटर इट्स मीन आपका पसंदीदा क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर कौन है क्रिकेटर मीन्स होता है अ पर्सन हु प्लेज क्रिकेट वी कॉल्ड क्रिकेटर ओके एक व्यक्ति जो क्रिकेट प्ले करता है ना उसे हम क्रिकेटर बोलते हैं तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका सबसे पसंदीदा क्रिकेटर कौन है ओके okay. फिर वो राहुल आ, राहुल हो सकता है या विराट कोहली हो सकते हैं या सौरभ हो सकते हैं या या सौरभ गांगुली हो सकती है सचिन तेंदुलकर हो सकती है एम धोनी हो सकती है या रोहित शर्मा हो सकती है हार्दिक पांड्या हो सकते हैं ओके okay. जो भी आपका फेवरेट क्रिकेटर है ना एंड विच टीम डज ही प्ले फॉर ओके इट्स मीन कि वह किस टीम के लिए खेलते हैं आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है और वह किस टीम के लिए खेलते हैं टेल द क्लास अबाउट एनी फाइव क्वालिटीज दैट ही हैज दैट मेक हिम योर फेवरेट इट्स मीन कि कक्षा को उनकी किन पांच गोलों के बारे में बताइए जो उसे आपका पसंदीदा बताते हैं तो आपको क्या करना एक्सरसाइज सी में जो भी आपका फेवरेट क्रिकेटर है ना मैंने अभी आपको नेम बताया जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए एम एस धोनी हो गए राहुल द्रविड़ हो गए विराट कोहली हो गए सौरभ गांगली हो गए रोहित शर्मा हो गए हार्दिक पांडे हो गए ओके एम एस धोनी हो गए जो भी आपका फेवरेट क्रिकेटर है उसके बारे में आपको क्या करना है अपनी क्लास में उसके उसके बारे में बताने कि वो किस टीम के बारे में खेलते हैं आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है वो किस टीम के लिए खेलते ओके और किस टीम के लिए खेलते हैं और उनकी ऐसी फाइव क्वालिटीज़ बताइए जो मतलब जिसके लिए आपको आपने उनको अपना फेवरेट बनाया उनमें ऐसी क्या फ़ाइव क्वालिटीज़ है जिसके लिए आप वो जो है ना वो जो क्रिकेट है वो आपकी फेवरेट हो गए ओके तो इसके बारे में चूँकि क्लास में तो आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते बिकॉज अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो स्टूडेंट्स आप इसके बारे में अपनी फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात कर सकते हैं या अपने ब्रदर्न सिस्टर्स से इसके बारे में टॉक कर सकते हैं okay. ओके तो आपको कोई भी फील्ड देखते हैं ना अपने पेरेंट्स या ब्रदर एंड सिस्टर उसके आ, आपको उससे उनसे इस बारे में डिस्कस करना है अपने फेवरेट क्रिकेटर के, के बारे में बताना है वो जो जिस टीम के लिए खेलते हैं उसके बारे में आपको बताना है ओके okay. और उनकी फाइव क्वालिटीज़ बताना है जो फाइव क्वालिटीज़ ऐसी क्या फाइव क्वालिटीज़ है जिसके लिए वो आपके फेवरेट बन गए ओके okay. तो जो भी आपका फेवरेट क्रिकेटर के ना उसके बारे में बात करिए आप और ओके सो स्टैंड इट्स अ टू डेज होमवर्क दैट कंप्लीट एक्सरसाइज बी एंड सी ओके आपको एक्सरसाइज बी में क्या करना है आपको एक स्टोरी लिसन करनी है बॉय और एक जीन की और उसके

ओलिपिक रेनी इन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एज इट्स एंड स्टेंड्स योर होमवर्क इज दट कंप्लीट एक्सरसाइज बी एंड सी ऑफ चैप्टर थ्री ओलम्पिक रेनी इट्स टू डेज होम सो स्टेंड्स आपको क्या करना है एक्सरसाइज सी और ए e, अपनी बुक पे कंप्लीट करना है okay? एक और एक्सरसाइज बी और सी आपको कंप्लीट करना है ओके एक शॉर्ट सामने रखनी है नोटबुक पर अपनी फेवरेट क्रिकेटर के, के बारे में डिस्कस करना okay? तो है ओके चाहिए आपका होमवर्क है आई होप यू मैसड यो क्लास वर्क एन होम ओके सो ऑल स्टैंड कंप्लीट योर क्लास वर्कलीट एक्सरसाइज सी एंड ए विश्व पेज नंबर थर्टी फाइव ऑफ चैप्टर थ्री ओलम्पिक ग्रेनी इन योर इंग्लिश book as we said and send me over here thank you